ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमारे जो अभी पूरे घर हैं ये पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। क्या वो कच्चे हैं क्या पक्के हैं पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है। आज कम से कम एक महीना हो गया है हमारे को ना तो कोई टेंट दिए किसी ने, ना कोई राशन है और ना ही कुछ। और घर से पूरे जो हैं पूरे बेघर हुए, ना तो कोई हमारी सुनने वाला ना कुछ। जो भी आता है आके देख कर चला जाता है। पहले तो स्कूल में थे तो स्कूल में रह रहे थे, उसके बाद स्कूल से भी निकाल दिया। कुछ टेंट दिए थे लोगों ने, किसी किसी को मिले, बाकी वो सब किसी को तो नहीं मिल पाए। जहाँ स्लैड पड़े हैं, मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, रहने के काबिल नहीं है। हम बाहर रह रहे हैं, सड़क पर रह रहे हैं। मक्की जो हमारी एक साल में थोड़ी थोड़ी 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। और मकान हमें रहने के लिए नहीं है, हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा नुकसान देख कर हमें कुछ ना कुछ इसको मिलना चाहिए हमको। खबरों की दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।